अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज 786। मोहब्बत के लिए चिराग हुब्बे हाजिरी है ये। आज मैं मोहब्बत का चिराग लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अम्ल बहुत ही कामयाब अम्ल है। इस चिराग को चिराग सुलेमानी भी कहा जाता है। इंशाल्लाह 3 दिन में आपकी मोहब्बत आपके पास होगी। इस अम्ल के लिए आपको जरूरत है एक मिट्टी के चिराग की, इस तरीके का मिट्टी का चिराग आपको जरूरत है, सफेद व्हाइट कलर का इस तरह का कागज आपको जरूरत है, और थोड़े से तिल के तेल की आपको जरूरत है। आपकी मोहब्बत चाहे जितनी रूठी हुई हो, चाहे जितनी दूर हो, आपके चिराग के इस्तेमाल करते ही वो आपसे रابطे किए बिना उसे चैन नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका बॉस आप पर सख्त है तो उसे भी बस में करने का ये बहुत अच्छा अमल है। अगर कोई आपसे दुश्मनी रखता है और आपको उससे खतरा है तो आप उसे भी इस अमल से बस में कर सकते हैं। ये चिराग हुब है, मोहब्बत और बस में करने का बहुत कामयाब अमल है। इस मोहब्बत के चिराग की जानकारी से पहले इस वीडियो को खूब खूब लाइक करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इजाजत के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए नक्श के बारे में जानते हैं। आपको फलीता इस तरीके से भर लेना है। आपको इस नक्श में 6 खाने का आपको बॉक्स बनाना है। 6 खाने का बॉक्स बनाने के बाद इसमें आपको 786 नहीं लिखना है। आपको सबसे पहला खाना यहां से भरना है। आपको यहां पर लिखना है सीन। सीन लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है नू। नू लिखने के बाद आपको यहां पर अलिफ लिख देना है। अलिफ लिखने के बाद आपको यहां पर मीम लिख देना है। मीम लिखने के बाद आपको रे लिख देना है। रे लिखने के बाद आपको यहां पर वाव लिख देना है। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है रे। रे लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है हे। हे लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है हे। हे लिखने के बाद आपको यहां पर नू लिख देना है। इस तरीके से यह नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। यह फलीता आपका तैयार है। आप इस फलीते को किसी भी दिन दोपहर के 3 बजे आपको बनाना है। आप इस नक्श को किसी भी पेन से लिख सकते हैं। इसके लिए किसी खास पेन की कोई जरूरत नहीं है। आप इस फलीते को चिराग में तिल का तेल डालकर जलाएं। जिस तरीके से ये जल रहा है, आपको इस तरीके से तिल का तेल डालकर आपको ये चिराग जलाना है, और चिराग की रोशनी महबूब के घर की तरफ करें, या जिससे भी आपको मतलब हासिल करना है उसके घर की तरफ करें। अगर आप रोशनी को महबूब की तरफ करें, आपका मकसद जायज होना चाहिए। इंशाल्लाह आपका 100% काम होगा। अगर आपका मकसद 3 दिन में हल नहीं होता तो आप दोबारा ये अमल करें। जब आपका चिराग जलकर खत्म हो जाए तब आप फातिहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का करवा दें, और वो मिठाई जिस मिठाई पर आप फातिहा करवाते हैं वो बच्चों में तकसीम कर दें। आपकी जायज तमन्ना जो भी होगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त के साथ।